एक बड़ी पुरानी कहावत है, अतड़ी का गोश्त गोश्त नहीं और खुशामदी दोस्त दोस्त नहीं। डॉक्टर एस जयशंकर ने बिल्कुल भी दया नहीं दिखलाई है पाकिस्तान के ऊपर इस बार। तो अचानक से जनरल बाजवा पहुंचा हुआ है अमेरिका, और आपको बता दें दो दिन तो चुपके चुपके बिता दिया, पर तीसरी दिन खबर निकल कर बाहर आ गई है। जानेंगे क्या है हबीब बैंक जिसको लेकर बुरी तरीके से फंस गया है पाकिस्तान। ये जो पड़ोसी है ना कंगाल, इस पड़ोसी के साथ बहुत कुछ हो रहा है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में कौन सा धमाल मचा हुआ है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। सबसे पहले तो ये समझिए 29 नवंबर को जनरल बाजवा होने वाले हैं रिटायर, और इससे पहले एक बार आरोप लग चुका है कि जनरल बाजवा चुपके से अमेरिका पहुंचे थे और अमेरिका पहुंचकर अल जवाहिरी की डील कर डाली थी। उधर अल जवाहिरी का डील हुआ और इधर अफगानिस्तान में अमेरिकी ड्रोन ने अल जवाहिरी के खेल को खत्म किया। तालिबान इस बात से नाराज भले हो गया, लेकिन बाजवा ने अमेरिका के कथित तौर पर तलवे चाटने में कोई कमी नहीं दिखाई। वैसे आपको बता दे बड़ा इंटरेस्टिंग सा ये कहानी है जिसमें ये बताया जाता है जो सबसे पहला था जियाउल हक, उस जैसा चापलूस सेना प्रमुख पाकिस्तान ने कभी नहीं देखा था। वो जियाउल हक जुल्फिकार अली भुट्टो जो उस वक्त था पाकिस्तान का राष्ट्राध्यक्ष, उसके जूते तक साफ करने लगता था। एक बार तो ऐसा हो गया कि जुल्फिकार अली भुट्टो का जूता साफ कर रहा था उसका नौकर, और ये सेना प्रमुख जियाउल हक वहाँ पहुँच गया और जियाउल हक ने उसके जूते साफ करने के लिए जो नौकर बैठा था उसे हटाकर जूते साफ करने लगा। जुल्फिकार अली भुट्टो गुस्साया नाराज हुआ कि एक सेना प्रमुख मेरा जूते क्यों साफ कर रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन उस खुशामदी जियाउल हक ने कहा कि नहीं जनाब, आपके जूते चमक नहीं रहे, मैं तो सैनिक हूँ, मुझे पता है जूते कैसे चमकाए जाते हैं। एक बार कहा जाता है कि जुल्फिकार अली भुट्टो के जूतों में चाय गिर गई, जिसे पोछने के लिए किसी जियाउल हक ने अपना रुमाल निकाल लिया था। जब ये सब कुछ कर रहा था जियाउल हक ना, उस वक्त ये शायद जनरल के पोजीशन पे था। बाद में जुल्फिकार अली भुट्टो ने देखा कि बड़ा चापलूस है, चलो इसको बना देते हैं हम सेना प्रमुख। और यहीं पर भुट्टो ने बहुत बड़ी गलती कर दी। यहाँ पर जैसे ही वो सेना प्रमुख बना, वैसे ही उसने भुट्टो का तख्ता पलट करवा दिया और यहाँ तक कि भुट्टो को फांसी की सजा भी हो गई। एक गलती की कीमत किस तरीके से चुकाई। अमेरिका खैर वही गलती कर रहा है। एक बार फिर से बाजवा अमेरिका पहुंचा है और इस मीटिंग में सबसे खास बात क्या है, इस मीटिंग में सबसे खास बात ये है कि नॉर्मली होता ये है कि जब कोई देश का बड़ा अधिकारी या बड़े पोजीशन वाला कोई शख्स विदेश में आधिकारिक यात्रा पर होता है तो विदेश मंत्रालय उसकी सूचना देता है, बतलाता है कि हमारे ये जाने वाले हैं फलना जगह। पर इस बार सेना प्रमुख के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये खबरें मीडिया में आई तब जब दो दिन हो चुके हैं और दो दिन बाजवा अमेरिका में है। अब बाजवा किस मकसद से गया, क्या उसे चाहिए डॉलर, भीख का कटोरा साथ लेकर गया है, या फिर नवंबर में रिटायर हो रहा है तो हो सकता है ये कहने गया हो कि मालिक और कोई हुक्म है तो बताओ और मेरा कुछ नया रोल बनाओ, कुछ ऐसा करो जिससे कि मैं अभी सेना प्रमुख बना रहूं। क्योंकि कहा जाता है सेना प्रमुख पद पर बाजवा बने रहना चाहता है, और दूसरी बड़ी बात यह है कि इमरान खान सरकार को हटाने में बाजवा का एक प्रमुख रोल रहा है। बाजवा ने शहबाज शरीफ के साथ मिलकर इमरान खान को सत्ता से हटाया, उस इमरान खान को जिसके रिश्ते अमेरिका के साथ अच्छे नहीं थे। और अभी ये देखा जा रहा है कि अमेरिका के साथ रिश्ते अच्छे धीरे धीरे हो रहे हैं पाकिस्तान के। लेकिन इन सबके बीच में बवाल तब मच गया जब हबीब बैंक का नाम सामने आ गया। अब होता क्या है, जैसे ही अलकायदा का नाम आता है ना, वैसे ही अमेरिका में ना एकदम से बाहें फड़कने लगती है, सारे अधिकारी अजीब तरीके का रिएक्शन देने लगते हैं, आक्रामक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इससे पहले तक जब भारत ये कहता था अमेरिका को कि देखो जी पड़ोसी पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, हमारे लिए समस्या खड़ा कर रहा है, तो अमेरिका उस वक्त ये कहता था अच्छा लेकिन ये तो एक कूटनीति है,
ऐसा तो होता है, आप दोनों के बीच कुछ मसले हैं जो हल नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से आप दोनों लड़ते रहते हो, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, आप अपना देखो। भारत को उस वक्त लगभग इसी तरह का जवाब मिलता था, लेकिन जैसे ही 9/11 हुआ और 9/11 के बाद पूरी तरीके से अमेरिका बदल गया, अमेरिका की सोच बदल गई, अमेरिका को लगा नहीं, ये अब भारत जो कह रहा था आतंकवाद, आतंकवाद नाम की चीज है और ये इस नाम की चीज हमें भी गिरफ्त में ले सकती है। और तब से अलकायदा और कई ऐसे आतंकी संगठन हैं जिसके पीछे अमेरिका पड़ा रहता है। अब हुआ ये कि हबीब बैंक और अलकायदा के कुछ कनेक्शन हैं, और होता क्या है, हबीब बैंक एक्चुअली अलकायदा तक पैसे पहुंचाता है। जो प्रतिबंध लगे हुए हैं अलकायदा के ऊपर, अलकायदा बहुत सारी चीजें करता है, उसमें पैसे तो खर्च होते होंगे, अब ये पैसे देने का माध्यम कौन है, तो ये माध्यम बन गया है हबीब बैंक। और यहाँ पाकिस्तान की सबसे बड़ी गलती निकल कर सामने आई है, क्यों, क्योंकि कुछ ही महीनों बाद FATF की टीम आ रही है, और ये बात ना भारत ने नहीं कही है कि हबीब बैंक के साथ ऐसा कुछ हुआ है, ये बात खुद अमेरिका की एजेंसी निकाल कर सामने लेकर आ रही है कि हबीब बैंक ही है जो फंडिंग कर रहा है। ऐसे क्रम में जो FATF की टीम पहुंची थी पाकिस्तान, वो संतुष्ट बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही थी। एक बार फिर टीम पहुंचने वाली है फाइनल निरीक्षण के लिए, और FATF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान रहेगा या निकलेगा इसका निर्णय करने के लिए। अब यहाँ पर जैसे ही इस बैंक का नाम आया है, वैसे ही समस्याएं बढ़ गई है पाकिस्तान के लिए। पर इन सब में ना सबसे मजेदार वाला काम किया है डॉक्टर एस जयशंकर ने। डॉक्टर एस जयशंकर ने एक बयान दिया है, इस बयान को सुनिए। हमारे एक पड़ोसी हैं जो माने किस्म से, जैसे हम IT के एक्सपर्ट हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, वो इंटरनेशनल टेररिस्ट के एक्सपर्ट हैं। तो भारत के विदेश मंत्री ने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि भारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक्सपोर्ट करता है, तो वहीं पाकिस्तान इंटरनेशनल टेरर को एक्सपोर्ट करता है। और ये बात उन्होंने बड़ी अच्छी टाइमिंग में कही है, जब बाजवा अमेरिका में है और पाकिस्तान के साथ अमेरिका अपने रिश्तों को सुधारने की कोशिश कर रहा है। वैसे क्या आप डॉक्टर एस जयशंकर की बात से सहमत हैं? उन्होंने बिल्कुल सही कहा। कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।